गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर ट्वेल्व मॉडल्स ओके हम कर चुके हैं फ्रंट वाला ये पोर्शन इसमें हमने भी कर लिया बी पार्ट आज हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें पेज नंबर सेवेंटी सिक्स में और वो है हमारा विल विल के बारे में आज हम uh, कुछ एक्सरसाइज uh, भी करेंगे और पहले इसको हम समझ लेते हैं ठीक है तो आप इसमें ध्यान से सुनिए विल पढ़ने वाले हैं हम डब्ल्यू आई एल एल विल ठीक है तो देखिए वी यूज़ विल वेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर विल का यूज़ किया जाता है उस जगह पे जहाँ पे हम भविष्य की बात कर रहे होते हैं विल मतलब फ्यूचर फ्यूचर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं विल का एग्ज़ाम्पल दिए हैं देखिए है. माई फादर विल बी फोटी नेक्स्ट सैटरडे मेरे पिताजी जो हैं वो कितने साल के होने वाले हैं फोर्टी ईयर्स के होने वाले हैं नेक्स्ट सैटरडे मतलब आने वाले सैटरडे को फ्यूचर की बात की जा रही है इसमें भी हुआ नहीं है ही ट्रैवल्स अलॉट ही इज़ इन हैदराबाद टुडे आज आज भी क्या है हमारा आज ही ट्रैवल्स अलॉट वो बहुत ट्रेवल करता है ही इज़ इन हैदराबाद टुडे टमोरो ही विल भी इन मैसूर कल वो कहाँ होगा मैसूर में होगा आई थिंक इट विल रेन टू नाइट पर है कम टू दार्टी आई वुडेंट बी एट होम दिस इवनिंग तो ये कुछ सेंटेंस हमें दिए गए हैं समझने के लिए आगे देखते हैं वी ऑफ़न यूज विल विद आई थिंक आई सपोज आई एक्सपेक्ट पर हैव्स प्रोबेबली एंड सो ऑन वी ऑफन यूज हम विल uh, का यूज़ करते हैं कभी कभार किसके साथ आई थिंक आई सपोज आई एक्सपेक्ट पर हैव प्रोबेबली एंड सो ऑन इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनके साथ विल का यूज़ किया जाता है इन दी अब सेंटेंसिस वी हैव यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस इनमें जो सेंटेंस हमने अभी पढ़े हैं एग्जाम्पल के तौर पे तो उनमें क्या यूज़ किया गया है सिंपल फ्यूचर सेंटेंस हैं वो टेंस हैं द सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ फॉर्म विद विल वि प्लस बेस फॉर्म जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसके साथ विल और शेल का यूज़ किया जाता है विद आई एंड वी आई दर विल और शेल इज़ यूज आई और वी के साथ विल और शेल यूज किया जाता है विद अदर सब्जेक्ट्स विल नॉट शेल इज़ यूज विज़ यूज आगे देखिए वी कैन नॉट ऑलवेज यूज विल और शेल फॉर द फ्यूचर हमेशा ही ऑलवेज ऑलवेज मतलब हमेशा ही कैन विल और शेल का यूज़ नहीं किया जाता है फ्यूचर के साथ देयर आर सेवरल डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर इस तरह से और तरीके भी हैं जिससे हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं वी यूज विल वेन वी आर ऑफरिंग टू डू समथिंग फॉर सम वन विल का हम यूज करते हैं अगर हम किसी को क्या ऑफर कर रहे हैं टू डू समथिंग फॉर सम वन अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वहाँ पर भी हम विल का यूज़ करते हैं एग्जाम्पल आई विल कैरी द बैग फॉर यू आई विल आई विल कैरी ये देख रहे हैं आप ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आई apostrophe कॉन एपेस्ट्रॉफी एस डबल एल तो हो गया आई विल आई विल कैरी द बैग फॉर यू आपके लिए ऑफर करना है किसी की मदद कर रहे हैं आई विल पोस्ट द लेटर मैं ये काम करूँगा आई विल पोस्ट द लेटर वी कैन ऑल्सो यूज विल वेन वी वॉन्ट टू आस्क something. To do something. विल का यूज़ तभी भी किया जाता है जब हम किसी से कुछ करवाने के लिए बोलते हैं किसी काम को एग्जाम्पल विल यू पोस्ट द लेटर प्लीज विल यू पास द सॉल्ट किसी से मदद मांगी जाती है कुछ काम करने के लिए कहा जाता है तो भी विल का यूज़ किया जा सकता है अब हमें करना है सी पार्ट कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सूटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स हमें कुछ वर्ड दिए हैं बॉक्स में उनको हमने चूज़ करना है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर और सेंटेंस दिए हैं उनमें हमें सही वर्ड यूज़ करके इन वर्ड्स को फिल करना है ठीक है तो देख लीजिए इसे कापी में क्लास फोर्थ है सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है डेट ट्वेंटी एथ फैप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन है और चैप्टर नेम है मॉडल्स चैप्टर ट्वेल्व हमारा है सी पाठ हम कर रहे हैं कंप्लीट देंटेंसेज विथ सूटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स गिवेन इन द बॉक्स ब्रैकेट में देखिए कुछ वर्ड्स दिए हैं नो कॉमा सी कॉमा अराइव कॉमा पास कॉमा बी कॉमा वॉच आगे बढ़ते हैं अब हम सेंटेंस देखते हैं आई थिंक शी डैश टू नाइट आई थिंक लगता है मुझे ऐसा लगता है कि शी डैश टू नाइट तो इसमें हमें वर्ब यूज़ करनी है सही फॉर्म तो यहाँ पे आएगा शी के साथ क्या लगता है विल लगता है तो हमें चूज़ करना है तो आएंगे या पहुँचना तो उसे क्या बोलते हैं आई थिंक शी विल अराइव टू नाइट ठीक तो यहाँ पे हम इस तरह से वर्ब यूज़ करेंगे विल और उसके साथ आ जाएगा अराइव सेकेंड है आई एम श्योर मैट डैश द एग्ज़ाम आई एम श्योर मैट विल पास द एग्ज़ाम थर्ड है वी डैश द रिजल्ट नेक्स्ट वीक वी विल नो जानेंगे कब जानेंगे रिज़ल्ट को अगले हफ्ते फोर्थ है आई डैश यू नेक्स्ट वीक बाय फॉर नाव आई विल सी यू नेक्स्ट वीक बाय फॉर नाव फिफ्थ है perhaps the weather will be fine perhaps the weather dash fine tomorrow perhaps the weather will be fine ठीक यहां पे आएगा will be fine आगे 6 है i am free today full stop आई थिंक आई डैश टेलीविज़न दिस आफ्टरनून आई एम फ्री टुडे मैं आज क्या हूँ खाली हूँ आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज क्या कर सकता हूँ दोपहर तक क्या देख सकता हूँ टेलीविज़न तो यहाँ पे आ जाएगा आई विल वॉच आई विल वॉच द टेलीविज़न दिस आफ्टरनून ठीक है तो ये इसमें बहुत थोड़ी सी एक्सरसाइज है आपके लिए करने के लिए तो इसे अपनी कॉपी में अच्छी सी हैंड राइटिंग में आप करिएगा और समझ के लिखिए इसे ठीक है